दोस्तों सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश के जो पत्रकार थे उन्होंने जो एक तस्वीर वायरल हो रही थी जिसमें कि वो नग्न अवस्था में एक थाने के अंदर खड़े हुए थे। उन्हीं में से एक पत्रकार हैं जिन्होंने एक बयान सामने आया है और ये बयान सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। इस बयान में वो बता रहे हैं कि पुलिस वालों ने उनसे किस तरीके से बर्बरता करी और यहां तक कि पुलिस वालों ने ये तक भी कह दिया कि अगर तुम पुलिस वालों के खिलाफ और वहां के जो एमएलए हैं उनके खिलाफ अगर तुम न्यूज दिखाओगे तो इस बार तुम्हें थाने में नहीं बल्कि थाने से बाहर ले जाकर नंगा घुमाया जाएगा। अब ये उनका बयान जो है वो आप सुन लीजिए, उसके बाद आपको जो सारी बातें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। अब उनका बयान मैं आपको जरा सुना देता हूँ। मेरा नाम कनिष्क तिवारी है, मैं सीधी जिले मध्य प्रदेश का निवासी हूँ। मैं एक पत्रकार हूं और मैं न्यूज नेशन में सीधी जिले का स्ट्रिंगर हूं और साथ ही फ्रीलांसिंग के रूप में एमपी संदेश न्यूज 24 यूट्यूब चैनल चलाता हूं और जो कि एक बघेली न्यूज चैनल है जो स्थानीय बोली पर वो न्यूज चैनल बनाया गया है जिस पर मैं सभी खबरों को प्रकाशित करता हूं। आपको बता दूं कि बीते 2 अप्रैल को एक बेहद निंदनीय घटनाक्रम हुआ जिसमें एक धरना प्रदर्शन कर रहे लोगों की खबर कवरेज करने में गया हुआ था और वहां पर मेरा कैमरामैन पूरी वीडियो फुटेज रिकॉर्ड भी किया। आपको बता दूं कि वहां पर मुझे जो सिटी कोतवाली थाने की पुलिस थी उसके द्वारा जबरन जो है मुझे धक्का देकर कोतवाली के अंदर ले जाया गया, मुझे मारा गया, पीटा गया, निर्वस्त किया गया, कपड़े उतरवाए गए, थाने में जुलूस निकलवाया गया और ये कहा गया कि विधायक और पुलिस के खिलाफ खबर चलाओगे तो तुम्हारा पूरे शहर में चड्डी पहनाकर जुलूस निकालूंगा। आप लोगों को बता दूं कि हमारे साथ हमारा कैमरामैन आदित्य सिंह भदौरिया भी था। आपको बता दूं कि जो हम 10 लोग गिरफ्तार हुए थे जिसमें जुर्म ये था कि पुलिस के द्वारा 151 की धारा और कुछ एक शांति भंग और साथ में सार्वजनिक रास्ता अवरुद्ध की धारा लगाई गई है। आप लोग को बताऊं कि हमारे साथ बड़ा वैमनस्यतापूर्ण बर्ताव किया गया, मारपीट की गई, गाली गलौज की गई। जब यह सब किया जा रहा था तो हम लोगों के द्वारा कोई जब विरोध की बात आई और जबकि ये जानकारी थी सीधी पुलिस को और कोतवाली पुलिस को कि मैं न्यूज नेशन में पत्रकार हूं और मैं पत्रकार होने के साथ साथ एक यूट्यूब चैनल भी चलाता हूं। पुलिस के द्वारा बार बार ये बात कही जा रही थी कि क्या तुम क्यों विधायक के खिलाफ खबर चलाते हो, क्या विधायक किसी के घर में बर्तन मांजने जाएगा। आप लोग को बताऊं कि जब ये फोटो एक सोशल मीडिया में आप लोग देख रहे होंगे कि वायरल हो रही है, ये फोटो मेरे और मेरे कैमरामैन और सभी जो लोगों को बंद किया गया था हम लोग। तो सुना आपने कि किस तरीके से पुलिस ने इस पत्रकार के साथ बर्बरता करी, इनको थाने के अंदर धक्का मुक्की करके अंदर ले जाया गया, इनों के साथ मारा पीटी तक करी और इनों को नग्न अवस्था में थाने के अंदर घुमाया और यहां तक कि पुलिस ने ये तक भी कह डाला कि अगर तुम पुलिस के खिलाफ और विधायक के खिलाफ अगर न्यूज दिखाओगे तो अब की मैं तुम्हें थाने में नहीं बल्कि थाने से बाहर ले जाके नग्न अवस्था में घुमाऊंगा। तो दोस्तों इस मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।